हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ औरंगाबाद के देवस्थल में। और यहाँ का विशेषता यह है कि यह राजा कुंड के नाम से जाना जाता है। जब राजा को कोढ़ और कुष्ठ हो गया था तब इसी तालाब में नहाने से वह ठीक हुए थे। तो यही तालाब है वो जहाँ राजा जी नहा के और यहाँ से ठीक हुए थे। और एक साइड में, वो साइड में एक और तालाब है बोला जाता है। और यहाँ का एक मंदिर है, उसका खास विशेषता यह है, यह औरंगजेब टाइम का है। और वो मंदिर रातों रात पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ गया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वहाँ पे मंदिर कौन सा मंदिर है, तो आगे बने रहिए वीडियो में। ये यहाँ का कुंड है और यहाँ से एक और कुंड उस साइड में है। ये सब भाई लोग हैं और सब यहाँ पे अभी सुबह के 4 बज रहे और सब हम लोग आए हुए हैं कुंड में देखने के लिए और मुझका मंदिर को दर्शन करने के लिए। यह है सूर्य मंदिर का मेन गेट और यहाँ से अंदर जाते हैं और मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। चलते हैं अंदर की ओर। यह है सूर्य मंदिर, वही जो औरंगजेब के समय का है। और यही मंदिर पूरब से पश्चिम रातों रात हो गई थी। और ये शिवलिंग है यहाँ का, सामने यहाँ 3 शिवलिंग रखा गया है। और ये मंदिर के सामने घंटा भी है और अभी यहाँ आरती चल रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं। तो ये था औरंगाबाद का सूर्यदेव मंदिर। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।